तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है मेरे हाथ में एक जो है मोबाइल होल्डर है और ये एक दोस्तों जो है कार मोबाइल होल्डर है। और ज्यादातर लोग दोस्तों इसको जो है कार में यूज करने के लिए और दोस्तों जो कार में वीडियो बनाने के लिए दोस्तों इस तरीके का होल्डर खरीदते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है अपने जो है टेबल पर इसको जो है रखकर वीडियो बनाने के लिए दोस्तों इस मोबाइल होल्डर को खरीदते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारा कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके का जो है मोबाइल होल्डर है और क्या आपको दोस्तों जो खरीदना चाहिए या फिर दोस्तों जो नहीं खरीदना चाहिए। और आपके दोस्तों जो कार में अगर इसको लगाते हैं तो आपको दोस्तों जो कौन कौन से प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे, तो सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों जो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये बता दें कि ये एक जो है ELV कंपनी का जो है मोबाइल होल्डर है और इसको दोस्तों हम जो है कार में यूज करने के लिए खरीदे थे और इसको दोस्तों तकरीबन जो है एक महीने से हम यूज भी कर रहे हैं और उसके बाद ही दोस्तों जो इसका जो है रिव्यू हम कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों सबसे पहले बता दें कि कुछ इस तरीके का जो है कार मोबाइल होल्डर होता है और इसको दोस्तों आप जो है टेबल पर भी यूज कर सकते हैं रखकर। तो चलिए दोस्तों सारा कुछ इसको जो है नजदीक से आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके का जो है मोबाइल होल्डर है और कितने दाम में दोस्तों जो मुझे मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि इसको देख पा रहे हैं कि ये जो है एक ELV कंपनी का है और इसका दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये सही में दोस्तों जो बाकी जितने भी मोबाइल होल्डर होते हैं या फिर दोस्तों जो ट्राईपोड होते हैं तो उतना दोस्तों जो है आपको मजबूत देखने को नहीं मिलेंगे इतने कम प्राइस में। और इसके दोस्तों जो क्वालिटी के मामले में तो दोस्तों हम इसको जो है नंबर वन कहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो है मेरे पास जो है बहुत सारे जो है ट्राईपोड भी हैं बट इस तरीके का नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसका जो है कुछ फंक्शन आपको बता देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक स्टिकर मिलता है उखाड़ कर और आपको दोस्तों जो अपने जो है कार में कहीं भी डैशबोर्ड पर या फिर दोस्तों जो आगे के मिरर पर आपको चिपकाना रहता है तो यहाँ से तो दोस्तों जो है आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर जो है आपको माउंट करने के लिए मिलता है, यानी कि दोस्तों जिस तरीके से जो है अपने कैमरा को घुमाना है तो और जिस तरीके से दोस्तों आपको जो है सेट करना है तो उस हिसाब से दोस्तों जो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ दोस्तों जो मद्देनज़र देखते हुए दिया गया है। और बाकी दोस्तों जो अगर आप चाहते हैं कि इससे भी और ज़्यादा नीचा हो तो आप दोस्तों जो यहाँ से इसको जो है डाउन कर सकते हैं और डाउन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है नीचे हो गया। ये तो दोस्तों आपको जो है एडजस्ट करना है कि आप किस तरीके से जो है अपने कार में रखना चाहते हैं और कहाँ का वीडियो लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से दोस्तों आप इसको सेट कर सकते हैं। बाकी का दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक दिखाई दे रहा होगा तो ये दोस्तों एक्सटेंड करने वाला है, यानी कि दोस्तों आप इसको जो है ढीला कर और इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ इस तरीके का दोस्तों आपको जो है इतना ही बढ़ेगा और इससे दोस्तों जो है आपको ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा ये, तो अपने हिसाब से दोस्तों आप इसको सेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर जो है आपका मेन दिया हुआ रहता है, यानी कि दोस्तों जो है मान लीजिए कि आपको तो एक जगह इसको जो है चिपका देंगे बट आपको दोस्तों जो चारों तरफ अपने जो है कैमरे को घुमाना है और एडजस्ट करना है तो इसके लिए दोस्तों जो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसको आप दोस्तों जो है थोड़ा बहुत ढीला करके और जिधर आपको जो है घुमाना हो आप दोस्तों जो है आसानी से घुमा सकते हैं कुछ इस तरीके का। और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर आपको मिलता है मोबाइल होल्डर, यानी कि दोस्तों जो इसमें आप जो है अपने मोबाइल को रख सकते हैं और मोबाइल के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि दोस्तों आपका जितना चौड़ा मोबाइल है उसके हिसाब से आप दोस्तों इसमें फिट कर सकते हैं। और फिट करने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल को इस तरीके से दाबेंगे तो ये दोस्तों जो है जितना आपका जो है मोबाइल का एरिया होगा उसके हिसाब से दोस्तों ये कवर हो जाएगा। और बाकी दोस्तों जो अगर आपको जो है मोबाइल को फिर से रिमूव करना है, निकालना है इस होल्डर से, तो आप दोस्तों इसको दाबेंगे तो ये पूरी तरीके से जो है आपका मोबाइल जो है निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों जो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दोस्तों जो देखने को मिल जाएगा कुछ रबर टाइप का कि जो कि आपको दोस्तों जो मोबाइल के प्रोटेक्शन कर सके, आप जब भी मोबाइल लगाएंगे तो उस पर स्क्रैच ना आए, इसके लिए दोस्तों जो यहाँ पर दिया हुआ है। और बाकी का दोस्तों जो है सारा कुछ जो है इसमें सही है और ये आपको दोस्तों जो है अमेजन पर तकरीबन जो है 349 रुपये के करीब में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो है कुछ डिमेरिट भी आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इसको जो है कार के शीशे पर यूज करेंगे, इसको दोस्तों जो है यानी कि लगाएंगे कार के शीशे पर, तो आपको दोस्तों जो है जब भी आप वीडियो बनाएंगे तो आपका दोस्तों जो वीडियो है वो दोस्तों जो है थोड़ा बहुत हिलेगा बट दोस्तों जो इसको जो है अपने कार के डैशबोर्ड पर यूज करेंगे तो ये आपको दोस्तों जो कम वहाँ पर हिलेगा और आपका दोस्तों जो वीडियो भी अच्छे तरीके से बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप जो है कार में इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप दोस्तों इसको जो है टेबल पर भी रख कर यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।